वालों फ्रेंड्स, मेरे सामने खड़ी है ग्रैंड विटारा की ना सिग्मा वेरिएंट, जो कि ग्रैंड विटारा का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। आप अगर इसके फ्रंट ग्रिल की बात करते हैं तो बिल्कुल ही टॉप एंड मॉडल जैसा ही है, बिल्कुल है ना, बड़ा सा सुजुकी का लोगो। और अगर आप इसकी DRLs की बात करते हैं तो डे टाइम रनिंग लैंप्स भी मिलता है इसमें, और इसी में इंडिकेटर भी मिलता है। बाकी इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है और ये हेलोजन सेटअप में मिलता है, और पियानो ब्लैक फिनिश आपको ग्रिल में मिल जाएगी, और ये प्रॉपर क्रोम का पार्ट मिलता है। और सुजुकी ने ना लोगों की ना नस पकड़ ली है कि भाई बेस मॉडल से ही ना मेरे को ऐसे ऐसे फीचर चाहिए यार कि जो टॉप मॉडल में भी प्रॉपर मिल जाते हैं। तो इस वजह से जो नेक्सा मारुति ने ना ये सब चीज़ें निकाल दी है। अब देखोगे ना आप, कहीं से ही बेस मॉडल नहीं लग रहा, चाहे आप रेयर से देख लो, चाहे आप साइड से देख लो, आप देख सकते हैं ORVM जो है ना, ORVM के ऊपर ही लाइट दी हुई है इंडिकेटर की। लेकिन जो बेस मॉडल होते हैं उसमें आपको फेंडर में मिलता है, लेकिन इसमें आपको इंडिकेटर में मिलता है। और देखो शार्क फिन एंटीना भी मिलता है इसके बेस मॉडल के अंदर, क्या ही चाहिए लोगों को। और अलॉय व्हील तक डल जाएंगे। बाकी अगर आप इसकी स्टील रिम की भी बात करते हैं तो ये भी 17 इंची का मिलता है, बिल्कुल सेम साइज। अगर आप अलॉय व्हील में भी चेंज करते हैं ना, तो मतलब जरा सा भी चेंजेस नहीं, मतलब आपको टायर चेंज कराने की जरूरत नहीं है, बस अलॉय व्हील लाओ और टायर उसके अंदर फिट करा दो, ऐसा कुछ सिस्टम मिलता है। बाकी वाइट कलर में काफ़ी शानदार लगती है देखने में, है ना। और आप इसका जो बम्पर का पार्ट देख रहे हैं ना सिल्वर का, ये भी एज इट इज टॉप वेरिएंट जैसे रखा हुआ है, और ये मैट में रखा हुआ है, काफ़ी शानदार लग रहा है ये देखने में। साइड लुक की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके की साइड लुक मिलती है सिग्मा वेरिएंट की। रेयर लुक दिखाता हूँ अब आपको, रेयर लुक देखो भाई, क्या ही जबरदस्त रेयर लुक बना रखे है भाई साहब। आपको बेस मॉडल से ही ना स्मार्ट हाइब्रिड मिलता है, देख रहे हो, और ये माइल्ड हाइब्रिड है, स्मार्ट हाइब्रिड इसके अंदर प्रॉपर मिलता है। और आप देख सकते हैं फुल्ली टॉप एंड मॉडल की तरह रखा हुआ है, और बेस मॉडल से डिफॉगर दिया हुआ है, शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है, बताओ। और अगर आप इसके इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो कुछ इधर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और रेयर लैंप इधर मिल जाता है, और ये रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और फुल्ली LED सेटअप मिलता है, मतलब कहीं से कमी नहीं रखी हुई है। आप देखो नेक्सा का ब्रांड है, देख लो क्या ही चीज़ बना दिया। अगर आप इस पैनल की भी बात करते हैं ना, तो ये आपको सिल्वर मिलता है इसके अंदर, और टॉप इससे ऊपर वाले मॉडल पे जाएंगे तो यहाँ आपको क्रोम में मिल जाता है, क्रोम में मिलता है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें सिल्वर मिलता है, लेकिन आप साइड से देखोगे ना तो कहीं से ऐसा नहीं लगता कि यार ये बेस मॉडल है भाई, एक बात बता दूँ। और दूसरी चीज़, यहाँ आपको LED में हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है। अब चलते हैं इंटीरियर में, क्या कुछ स्पेस है, क्या कुछ फीचर है, अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आप इसकी डोर ट्रिम देखते हैं ना, तो भाई पहले तो आपको देखो ये डोर ओपनर है ना सिल्वर टॉप एंड मॉडल की तरह मिलता है, मतलब फुल्ली डोर जो है ना टॉप एंड मॉडल की तरह है, लेकिन टॉप एंड मॉडल में थोड़ा और प्रीमियम हो जाता है। यहाँ आपको सॉफ्ट टच मिल जाते हैं, प्रॉपर लेदर के स्ट्रक्चर वगैरह, जो भी इसके अंदर जो स्टिचिंग वगैरह होती है प्रॉपर लेदर वाली प्रॉपर रहता है। आगे अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ फैब्रिक मिलता है, और यहाँ आपको चारों पावर विंडोज मिल जाएंगे, और यहाँ आपको ORVM जो है ना इसको फोल्ड एडजस्टमेंट के साथ सारे फीचर मिल जाएंगे, या जॉयस्टिक भी मिल जाता है इसका, बॉटल होल्डर, और इसके अंदर चारों में स्पीकर मिल जाते हैं। अभी अंदर भी दिखाता हूँ क्या क्या फीचर इसके अंदर मिलते हैं। अब चलते हैं इंटीरियर में, तो इंटीरियर में आ चुका हूँ ग्रैंड विटारा के सिग्मा वेरिएंट में। ये 1.5 पेट्रोल वाला मैनुअल ट्रांसमिशन वाला है, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है भाई। अब देखो इसका, एक तो बेस मॉडल से आपको स्टैंडर्ड कर दिया है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल जो ऑडियो के लिए होता है, जो इसके स्पीकर के जो सेटअप वगैरह के लिए होता है। बाकी इसके अंदर MID भी मिलती है, आप देखोगे ना एक छोटी सी MID भी मिल रही है, बाकी स्पीडोमीटर टैकोमीटर। मेरे को पर्सनली ना ये जो मारुति के जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अगर आप देखेंगे ना यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, बाकी यहाँ से इस तरीके से सारी चीज़ें आपको, टॉर्क भी दिखा रहा है भाई साहब, टॉर्क अगर आप देखेंगे ना इसके अंदर तो ये स्पीड वगैरह सारी चीजें, हाँ टॉर्क एंड पावर, अच्छा टॉर्क एंड पावर सारी चीजें इसके अंदर मतलब ओवरऑल दिखाता है इसमें, है ना सर। और ट्रैक्शन कंट्रोल तक मिलता है इसके अंदर, और 12 वॉट का सॉकेट तक इसके अंदर मिल जाता है। बाकी अगर आप इसकी बात करते हैं ना, टिल्ट टेलीस्कोपिक पूरा ही मिल जाता है, और ये अच्छी खासी टॉप वेरिएंट में भी नहीं मिलता है ऐसे फीचर तो। बाकी ये आप देखेंगे ना तो पुश बटन स्टार्ट मिलता है, लाइट लेवल तक मिल जाता है, और डुअल टोन में डैशबोर्ड मिल जाता है। और कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि बेस मॉडल है, अगर आप इसको छोड़ देते हैं ना, इसको नहीं देखते हैं, है ना, या इसको नहीं देखते हैं तो बिल्कुल ही टॉप एंड मॉडल जैसा ही दिखता है, बिल्कुल प्रॉपर। गियर नॉब कुछ इस तरीके का है, 5-speed के साथ ट्रांसमिशन के साथ। यहाँ आपको हेलोजन सेटअप मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के। बाकी अगर आप इसकी बात करते हैं ना, तो यहाँ वैनिटी मिरर भी मिल जाती है, देखो काफ़ी शानदार, और एक ही तरफ नहीं दोनों तरफ मिल जाता है। अगर आप इसके और वाले और वेरिएंट्स में जाएंगे तो लाइट्स भी मिल जाती है उसके अंदर।
आप अगर इसको देखते हैं तो ये भी आपको एडजस्टमेंट के साथ मिलता है सीट बेल्ट वाला, तो काफी शानदार है देखने में। बाकी सेंट्रल कंसोल की बात कुछ इस तरीके की, आर्मरेस्ट की बात करते हैं ना, तो ये स्टोरेज के साथ स्लाइडिंग भी मिलता है और ये सॉफ्ट टच है। अगर आप देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके से स्टोरेज भी मिल जाती है इसके अंदर, आप ऐसे दिखा देता हूँ, थोड़ी सी स्टोरेज भी मिल जाती है, मतलब डिसेंट स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ कुछ स्पेस यहाँ मिल जाएगा और यहाँ आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा कुछ कप वगैरह होल्ड करने के लिए। बाकी यहाँ आपको डेड पेडल भी मिल जाता है जो कि अच्छे खासे टॉप में वेरिएंट में भी नहीं मिलता ये सब चीज़ें। बाकी यहाँ आपको बूट ओपनर मिल जाता है, यहाँ फ्यूल लिड ओपनर यहाँ मिल जाता है। और अगर आप बात करते हैं इसको फोल्डेबल फोल्डिंग के लिए तो ये ऐसे फोल्ड भी हो जाता है, वो देखोगे ना आप। तो ये बेस मॉडल से ये चीज़ें आपको ऑफर की जाती है जो कि काफ़ी शानदार है। अब ग्लव बॉक्स की बात करते हैं ना, तो ग्लव बॉक्स कुछ इस तरीके का मिलेगा काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज के साथ, और यहाँ आपको सिल्वर एक पैटर्न मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, काफ़ी शानदार लग रहा है देखने में। बाकी वाइपर्स के कंट्रोल करते हैं तो देखते हैं तो कुछ इस तरीके के वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं और लाइट्स के कंट्रोल कुछ इस तरीके के। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स इसके ऊपर वाले वेरिएंट में मिल जाता है आपको, IRVM कुछ इस तरीके का मिलेगा और ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है डैशबोर्ड का। फैब्रिक सीटें इसके अंदर ऑफर की जाती है और कंपनी के थ्रू आप एक्सेसरीज में इसके अंदर लेदर भी लगवा सकते हैं। बाकी कुछ इस तरीके का ओवरऑल लुक है। अब चलते हैं पीछे, क्या कुछ स्पेस है, क्या कुछ फीचर है, आपको भी दिखाता हूँ। रेयर डोर की बात करते हैं ना, तो यहाँ आपको क्रोम डोर ओपनर मिल जाता है, यहाँ आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है, यहाँ आपको फैब्रिक सॉफ्ट टच मिल जाता है, यहाँ आपको पावर विंडोज से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, रेयर एसी तक इसके अंदर प्रॉपर मिल जाता है, यहाँ आपको फोन होल्डर भी मिल जाता है, आर्म रेस्ट तक मिल जाता है विद कप होल्डर। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हेडरेस्ट है, हेडरेस्ट तीनों मिल जाते हैं। क्वार्टर पैनल काफ़ी बड़ा है, ऐसा लगता है देखने में, अगर आप डोर बंद करेंगे ना तो ऐसा लगता है कि 7-सीटर है, ऐसा लगता है देखने में क्योंकि इतना बड़ा क्वार्टर पैनल दिया हुआ है। शार्क फिन एंटीना आपको प्रॉपर नजर आएगा। अब चलते हैं, क्या कुछ कंफर्ट है वो बताता हूँ आपको। कंफर्ट की बात करते हैं तो भाई देखो कितना ही कुछ इसके अंदर स्पेस मिल जाता है, यहाँ आपको AC विंड्स भी मिल जाते हैं, कप होल्डर प्रॉपर मिल जाता है, आइसो फिक्स के लिए यहाँ आपको अलग से सॉकेट मिल जाता है, देख सकते हैं आइसो फिक्स के लिए। बाकी पार्शल ट्रेस वेरिएंट में आपको ऑफर नहीं किए जाते, बाकी यहाँ से आप लाइट भी ऑफ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इस तरीके का कुछ रियर से डैशबोर्ड का लुक आता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका बूट स्पेस, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी अगर आप बात करते हैं ना इसकी, रिक्वेस्ट सेंसर आपको तीन जगह मिल जाता है, अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ मिलता है। 373 लीटर्स का इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाता है, और ना यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ हुक भी मिल जाता है, और यहाँ आपको लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है, लगवा सकते हैं क्योंकि यहाँ एक जगह ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी यहाँ कुछ स्पेस मिल जाएगा, यहाँ कुछ स्पेस मिल जाएगा। अगर आप इसके व्हील्स की बात करते हैं ना तो फुल्ली सेमी साइज़ का मिलता है, ये 17 इंचेस का ही है, देखो R17 लिखा हुआ है, 215/60 R17, तो काफ़ी शानदार है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको हाईवेज वगैरह पे। और कुछ इस तरीके का है, पार्शल ट्रे आप लगवा सकते हैं एक्सेसरीज में, और कुछ इस तरीके का बूट का लुक आता है। 373 लीटर्स का इसके अंदर बूट स्पेस है। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, ये जो सीट है ना आपको 60-40 के फंक्शन के साथ मिलता है, और कई आपको ब्रांड्स में ऐसा होगा कि यार 60-40 ना जिसमें आर्मरेस्ट होता है उसमें 60-40 देने में मतलब कंपनीज को प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें 60-40 का आपको ऑप्शन मिलता है, देखो 60% ये 40% वो बच गया है ना। और आप इसके फ्लैटिंग की बात करते हैं तो फ्लैट कुछ पूरा इस तरीके का हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसके अंदर आपको मिल जाता है, देखो टोटली फ्लैट हो जाता है, और आप आराम से इसमें कैंपिंग कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा इसके अंदर व्हील बेस मिल जाता है, काफ़ी अच्छा खासा इसके अंदर रूमी एरिया मिल जाता है। सो ये ग्रैंड विटारा का हुड ओपन कर दिया तो कुछ इस तरीके का इंजन मिलता है। बाकी अगर इसकी पावर फिगर्स की बात करता हूँ ना तो 1490cc का इसके अंदर इंजन डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। बाकी अगर इसकी मैक्स पावर की बात करते हैं तो 91.1 BHP की इसके अंदर पावर मिल जाती है। टॉर्क की बात करते हैं तो 122 Nm का इसके अंदर टॉर्क मिल जाता है। बाकी अगर आप इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो 5 सीटिंग कैपेसिटी मिल जाता है 5% का। बाकी माइलेज की अगर आप बात करते हैं तो 27 KMPL की माइलेज इसके अंदर प्रॉपर मिल जाएगी हाईवेज पे। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट? अगर आप इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं ना तो अराउंड आपको 12 लाख का ऑन रोड मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज मिल जाता है आपको। इसमें आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, पावर विंडोज़ मिल जाते हैं, रेयर एसी विंड्स मिल जाते हैं, स्पीकर्स मिल जाते हैं, और अगर हम बात करते हैं तो कीलेस एंट्री के साथ आपको पुश बटन स्टार्ट भी मिल जाता है। अगर आप मैं आपको वो चीज़ एक बार दिखा देता हूँ, जो
रिक्वेस्ट सेंसर है ना, आपको इस साइड भी मिल जाता है और उस साइड भी मिल जाता है। और ये जो ORVM से फोल्डेबल एडजस्टमेंट के साथ दोनों के साथ मिल जाते हैं, और एवरेज में भी काफ़ी ज़्यादा एवरेज वाली ये व्हीकल बन जाती है। आपको कैसा लगा ग्रैंड विटारा का सिग्मा वेरिएंट, कमेंट करके बताओ, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।